नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की सीरीज़ में एक बार फिर से स्वागत है। यूनिट डिजिट का कंसेप्ट है अपना और टॉपिक का नाम ही यूनिट डिजिट है, यानी कि इकाई का अंक। किसका अंक दोस्तों? इसमें पढ़ेंगे अपन इकाई का अंक। किसका अंक? इकाई का अंक। दोस्तों आपको ये पता है इकाई के अंक क्या होते हैं? मान लो 3, 2, 4 ये लिखा है, ये इसका इकाई का अंक है, ये इसका दहाई का अंक है और ये इसका सैकड़े का अंक है। हमें केवल इस नंबर से मतलब इस टॉपिक में हम केवल इसी की बात करेंगे। जैसे कि मैंने 3 की पावर 2 करी तो 9 आया, इसका इकाई का अंक 9 है। 3 की पावर मैंने 3 करी, 27 आया, इसका इकाई का अंक 7 है। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी बाद में जो आ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा इसके बारे में। दोस्तों अब यूनिट डिजिट के अंदर कुछ कंसेप्ट है। एक छोटा सा कंसेप्ट क्या कहता है कि यदि किसी नंबर कुछ ऐसे नंबर है दोस्तों जिनकी यूनिट डिजिट फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है, वो कौन कौन से नंबर हैं? तो पहले आप नोट डाल के लिख लो, 0, 1, 5 और 6, इनकी चाहे जो पावर हो, चाहे कितनी भी घात हो, इकाई का अंक निश्चित रहता है, इनका निश्चित रहता है। जैसे कि 0 की पावर आप कितने भी कर लेना, हमेशा इसकी पावर इसके यूनिट डिजिट में 0 आएगी। 1 की पावर चाहे कोई भी कर लो, हमेशा 1 आएगा। 5 की पावर में चाहे जो कर लो 5 आएगा। 6 की पावर में चाहे जो कर लो, यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। ये ऐसे नंबर दोस्तों जिनकी यूनिट डिजिट कभी बदलती नहीं है। इसके अलावा 4, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको ना, कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लो 4 की घात 1 है, 4 की पावर 1 है तो 4, 4 की पावर 2 है तो 16, यूनिट डिजिट 6 आ रही है। 4 की पावर 3 है तो 64, यूनिट डिजिट 4 आ रही है। ऐसे 9 की घात 1 है तो यूनिट डिजिट 9 आएगी। 9 की घात 2 है तो यूनिट डिजिट 81 यानी कि 1 आएगी। 9 की घात 3 है तो आपके पास यूनिट डिजिट 9 आएगी, यानी कि 4 और ऐसे लिखो इसको, ये 4 है और ये 9 है, इनकी अगर पावर इवन है या फिर इनकी पावर कैसी है, ओड है, यानी कि सम है या फिर विषम है। अगर 4 की घात सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। अगर 4 की घात विषम है तो इकाई का अंक हमेशा 4 आएगा। 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। 9 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 9 आएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, बाकी जब क्वेश्चन आएगी तो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको और समझा दूंगा। अब कुछ प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों। जैसे एक प्रश्न है 31, 21, 14, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? दोस्तों सारे मल्टीप्लाई नहीं करने, आपको जो इकाई के अंक हैं इन सब में उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, उन्हीं से हमारे को क्या मिल जाएगा? यूनिट डिजिट मिल जाएगी। जैसे कि 1, 1 और 4, तो 1, 1 और 4 बताओ कितना आएगा? 4, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका? 4। अगला प्रश्न है, एक बात और ध्यान देना, अगर किसी गुणा में किसी मल्टीप्लाई में कहीं पर 0 आ रहा है तो चाहे जितने नंबर हो वो सबको 0 बना देगा और यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा आपके पास? 0। अब ये तीनों मल्टीप्लाई के नंबर हैं, इसके यूनिट डिजिट पे 0 आ रहा है तो इसके कंप्लीट यूनिट डिजिट पे भी क्या आएगा? 0 ही आपका क्या आएगा? आंसर। सिंपल सी कहानी है। अगला है, अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, इधर देखना, एक नोट डाल देता हूँ, 4 के बाद या ऐसे लिखो, किसी भी अंक की
घात चार के बाद, चार के, हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, यूनिट डिजिट क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, क्या होते हैं, ये लैंग्वेज भी अगर आपको याद नहीं होती कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो किसी भी नंबर की चाहे जो भी पावर हो आप लास्ट के एक अंक को या फिर लास्ट के दो अंकों को चार से डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड कर लो, चार से, फिर जो बचेगा वही पावर निकाल लो। जैसे कि मैं इस एग्जाम्पल में बात करता हूँ, अब जीरो की घात तो कितने भी हो आंसर जीरो आएगा, आप लोग जानते हो जीरो की घात चाहे जो हो आंसर कितना आएगा आपके पास, जीरो। अब ये है चार की घात 232 है, अब चार की घात 232 निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने क्या बताया 32 को चार से भाग कर लो, आठ बार जाएगा पूरा पूरा जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, तो चार की घात जीरो कितनी होती है बताओ, जीरो कितनी आएगी, जीरो। चार की घात जीरो आ रही है, लेकिन जीरो लेना नहीं है, तो चार अट्टे चार की घात चार निकाल लो। अब चार की घात इवन है कि ओड है, ये इवन है, इवन है तो हमेशा क्या आता है यूनिट डिजिट पे, छः, ठीक है, पैंतीस के अंदर चार का भाग दे लो, तीन बचा चार की घात तीन, इवन है कि ओड है, घात ओड है तो यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, चार आएगा, सिंपल सी कहानी है। अगला प्रश्न है चार की घात इतनी पावर है, तो इतनी पावर थोड़ी निकाल लेंगे अपन, अपन क्या करेंगे 46 को चार से भाग करेंगे, 44 फिर दो बच जाएगी, तो चार की घात दो यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपके पास, छः, बहुत सिंपल सी है। अगला प्रश्न है चार की घात एक, नौ की घात दो, चार की घात तीन, अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा अलग गेम चल रहा है, नौ की घात 100 तक चल रहा है ये, है ना। अब ये देखो आप लोग, चार नौ चार नौ चार नौ, घात एक दो तीन चार पाँच, घातें बढ़ रही है, ठीक है, तो इस केस में आप लोग क्या करोगे, चार की घात एक का मतलब कितना होता है दोस्तों, यूनिट डिजिट चार आएगी, नौ की घात दो का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट एक आएगी, तो चार और एक को मिलाते क्या बन जाएगा आपके पास, पाँच बन जाएगा। ऐसे ही चार की घात तीन यानी कि यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, चार, डिजिट पे कितना आएगा, एक, तो चार और एक कितना हो गया, पाँच। ऐसे ही इसके यूनिट डिजिट पाँच बनेगी, ऐसे ही इसकी पाँच बनेगी, ऐसे पाँच पाँच बनती जाएगी, और कितने जोड़े बनेंगे, सौ तक हैं यानी कि 50 जोड़े बनेंगे, तो पाँच कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा, तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा आपके पास, जीरो, सिंपल से कहानी है। अगला प्रश्न है चार की घात एक, नौ की घात दो, चार की घात तीन, नौ की घात, सेम क्वेश्चन हो गया ना ये तो। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास, अब आके आपके पास आता है साइक्लिसिटी, जो मैंने आपको बता दिया। वैसे साइक्लिसिटी में क्या होता है दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर चाहे जो हो उसके यूनिट डिजिट जो है ना वो डिफाइन होगी उसकी पावर को डिवाइड जब अपन चार से करेंगे। 125 को भी चार से डिवाइड नहीं करना, आपको केवल 25 को चार से डिवाइड करना है। जब 25 को आप चार से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, एक, तो दो की घात एक, यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपके पास, एक इज योर करेक्ट आंसर। 45 आ रहा है तो एक बचेगा, पाँच की घात एक यानी कि पाँच आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। अरे भाई 45 में आप है ना चार का भाग दो, 44 तो आ जाएगा 11 बार के अंदर, फिर एक बचेगा तो पाँच की घात आपको एक ही निकालनी है बस। अगला प्रश्न है 128 की घात 321, इसकी घात 314, इसकी घात 324, अब इसका निकालना है आपको इकाई का अंक। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आराम से हो जाएगा। क्या करोगे, ये जो आठ है ना इस आठ की घात निकालनी है, कितनी, 21 में चार का भाग दो एक बचा, तो आठ की घात एक
आठ की घात 14 में 4 का भाग दो, 2 बचा। इधर 8 की घात 24 में 4 का भाग दो, 4 बचा। 8 की घात 4, ठीक है। अब 8 की घात जो 1 आ रही है ना, इसका मतलब क्या होता है बताओ? 8, 8 की घात 2 का मतलब 64, फिर 4 आ जाएगा। 8 की घात 4 का मतलब क्या होगा? 8 × 8 × 8 × 8, 64 यहाँ से आएगा और 64 ही यहाँ से आएगा। फिर 4 को 4 से करोगे तो 16 यूनिट डिजिट 6 आएगी आपके पास। तो 6, 4, 10 और 8, 18 यूनिट डिजिट में क्या आएगा आपके पास? 8 आपका क्या आएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनकी यूनिट डिजिट निकालनी है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना, किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0 है तो फिर वो चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो उसके यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही रहेगी। अब यहाँ देखो, यूनिट डिजिट पे 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 8 है। आपको क्या करना है कि कहीं से अगर 0 बन रहा है तो फिर पूरे की यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी? 0। तो 8 पंजे कितना हो गया? 40, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 0। देखो 5 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है क्या? देखो 6 पंजे 30 आता है, तो इसकी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 0। बिना पढ़े बिना लिखे सेकंडों में आंसर निकाल लोगे। बताओ कुछ भी नहीं करना पड़ा इसके अंदर आपको। ना मल्टीप्लाई करना पड़ा, ना कुछ और करना पड़ा। अब यह है 81, 82, 83 और 89। आपको क्या करना है? देखो 85 भी आएगा इसके अंदर और 84 भी आएगा। तो 5 को 4 से गुणा करने पे 20 बन जाएगा, या 5 को 2 से गुणा करने पे 20 बन जाएगा। आप क्या लिखोगे यूनिट डिजिट पे? 0। प्रश्न है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? सभी अभाज्य संख्याओं का, दोस्तों अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से। फिर 3 आता है, 4 नहीं है, फिर 5 है, फिर 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 है। तो इनके अब सभी तो बहुत सारी हैं, अनंत में चलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ देखो, 5 को जब आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 0 बन जाए, 5 और 2 को मल्टीप्लाई पे करने पे कितना बनता है? 0। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। ये आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। अब आ रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के। अब विषम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? एक तो विषम हो और अभाज्य भी हो। पिछले वाले प्रश्न में सभी अभाज्य संख्याएं थी, तो सभी में तो 2 भी आता है जो एक सम संख्या है। अब विषम की बात कर रहा है तो 3 से चलेंगे, 3 × 5 × 7 × 11 ऐसे चलते जाएंगे। तो जब भी 5 और 3 या 5 और 7 और 5 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा? आपको 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। अगला प्रश्न है, 43 की घात 46 आप खुद से कर लोगे। 46 को 2 से भाग दो, सॉरी 4 से भाग दो, तो 2 शेष बचेगा। तो 3 की घात 2 निकाल लो, आपका आंसर क्या जाएगा? 9। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 सबकी घात 2 2 चल रही है। ये बताओ दोस्तों 5 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 25। यूनिट पे क्या आएगा? 5। 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है? 4। 5 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 20। कितना आएगा? 20। लेकिन दोस्तों इसमें कहानी कुछ और है। यहाँ नंबर्स मल्टीप्लाई में नहीं चल रहे, यहाँ नंबर हो गए आपके पास एडिशन में। किसमें हो गए दोस्तों? एडिशन में। तो आप एक काम करो, इसका पेयर बनाओ कुछ। क्या बनाओ? पेयर। 1 की घात चाहे जो हो, 1 की घात 1 आएगी। 2 की घात 2 का मतलब 4, इसका मतलब 9, इसका मतलब 6, इसका मतलब 5, इसका मतलब 6, इसका मतलब 9। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9। एक 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4। दोस्तों इसमें कुछ 0 बन रहा है क्या? ये देखो आप लोग, 6 और 4, 10। 6 और 4, 10।
छः और चार दस बन गया, नौ और एक दस बन गया, फिर आठ की घात दो आएगी चार आएगा, नौ की घात दो आएगी एक आएगा, फिर नौ और एक दस, छः और चार दस, ठीक है पाँच फिर बच रहा है आपके पास, तो यानी कि पाँच पाँच बचता जाएगा आपके पास, कितना बचता जाएगा तो ये पाँच ही बचेगा आपके पास। अब पाँच बच रहा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगी आपके पास, पाँच ही आएगा आपका करेक्ट आंसर। नहीं, ये आपने दस तक की कहानी करी है ना, नौ छः सात आठ नौ, फिर दस की घात दो करोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो से मतलब है नहीं, यानी कि एक से लेकर के दस तक के आपने घात दो दो को जोड़ा तो आपके पास एक बार पाँच निकल के आया, फिर दस से बीस तक दो बार पाँच आएंगे, बीस से तीस तक फिर एक बार पाँच आएगा, तीस से चालीस तक फिर एक बार पाँच आएगा, ऐसे कुल पाँच कितनी बार आएंगे, दस बार आएंगे, और दस पंजे कितना हो गया पचास, यानी कि यूनिट डिजिट क्या आ गया आपके पास जीरो। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक की घात दो, दो की घात दो, तीन की घात दो, इकतीस बत्तीस तैंतीस की घात दो। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालनी है, क्या करोगे दोस्तों, एक की घात दो का मतलब होता है एक, दो की घात दो का मतलब होता है चार, इसका मतलब होता है नौ, इसका मतलब होता है छः, इसका मतलब होता है पाँच, ठीक है। ऐसे ही तीस तक तो आपको पता है तीन बार पाँच आएंगे, वही तो सिक्वेंस चल रहा है, तो पाँच इंटू तीन पंद्रह तो ये आ जाएगा, फिर इकतीस बत्तीस तैंतीस, तो यहाँ से एक निकल के आएगा, यहाँ से चार निकल के आएगा, यहाँ से नौ और एक दस और चार चौदह, चौदह जोड़ दो तो नौ आएगा आपका, किसका अंक, इकाई का अंक। दोस्तों ये थे सिंपल वाले प्रश्न जिसमें अपन इकाई के अंक निकालते थे, रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगले चैप्टर में अपन बात करेंगे फैक्टोरियल की।